हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ रेड सॉस पास्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, इसमें हम डालेंगे 3 कप पानी, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच तेल। इसे हम उबाल आने देंगे। अब डालेंगे 1 कप पास्ता, मैंने स्पाइरल वाला यूज़ किया है। इसे हम 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। ये देखिए अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसे ड्रेन करेंगे हम और इसे साइड में रखेंगे। अब लेंगे दूसरा पैन, इसमें हम डालेंगे 2 कप पानी। अब टमाटर को एक्स मार्क करके लेंगे हम इस तरह, इससे हमारा स्किन जो है वो अच्छे से निकलेगा बॉईल होने के बाद। इसे हम 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। ये देखिए 5 मिनट के बाद स्किन निकलने लगा है, इसका मतलब हमारा टमाटो बॉईल हो चुका है। इसे हम अच्छे से ठंडा करके इस तरह स्किन निकाल के लेंगे। अब इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए ग्राइंड करके हमें स्मूथ पेस्ट बनाना है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब लेंगे एक पैन, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल, 2 चम्मच लहसुन डालेंगे अच्छे से फाइनली चॉप करके, 1 प्याज इसे भी फाइनली चॉप करके लिया है। इसे अच्छे से सॉटी करेंगे और इसे कुक करेंगे हम 2 से 3 मिनट। अब डालेंगे टमाटो पेस्ट, इसे अच्छे से बॉईल करेंगे हम मिक्स करके। अब हम डालेंगे स्पाइसेस, इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 चम्मच मिक्स हर्ब्स, 1/4 चम्मच पेपर। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने डाला है 1 चम्मच टमाटो केचप, इसे भी मिक्स करके लिया है। इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे हम। ये देखिए हमारा रेड सॉस रेडी हो चुका है। अब हम डालेंगे हमारा पास्ता, इसे हम अच्छे से मिलाएंगे रेड सॉस के साथ। ये देखिए इस तरह अच्छे से मिलाना है आपको। हमारा रेड सॉस पास्ता ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब मैंने थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके लिया है, आप चाहिए तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो इसमें। ये देखिए हमारा रेड सॉस पास्ता रेडी हो चुका है। अगर आज का ये स्पाइसी टेस्टी रेड सॉस पास्ता की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।